दोस्तों इस दुनिया में, देश में, शहर में या गांव में या फिर कहीं भी देखा जाए तो सबसे अमीर इंसान वही है जिसका अपना बिजनेस हो। इसलिए अधिकतर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उनका भी कोई बिजनेस हो जिससे वो ज्यादा पैसा कमा सके। बिल्कुल इसी तरह बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार भी अपने फिल्मी करियर के साथ साथ कई तरह के बिजनेस भी करते हैं जिससे वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार जो बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही सब्सक्राइब करना हमारा चैनल स्टेप फॉर नॉलेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है बॉलीवुड में बादशाह के नाम से पहचाने जाने वाले शाहरुख खान। अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड पर राज करने वाले किंग खान का नाम उनकी कमाई की वजह से फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कमाई शाहरुख खान सिर्फ अपने फिल्मी करियर की बदौलत नहीं करते। शाहरुख खान का एक रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम का प्रोडक्शन हाउस भी है जिसमें कई सुपरहिट फिल्में बन चुकी हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आज के समय में रेड चिलीज VFX के नाम से एक विजुअल इफेक्ट स्टूडियो भी चलाती है। इसके साथ ही शाहरुख खान IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक भी हैं। यही वजह है जो शाहरुख खान को टॉप रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में बनाए रखती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सुनील शेट्टी। दोस्तों सुनील शेट्टी ने 1992 में बलवान फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने इस करियर में सुनील शेट्टी ने 110 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इसी के साथ ही वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। सुनील शेट्टी मिस्चीफ डाइनिंग बार और क्लब S20 को रन करते हैं। इनकी मुंबई में काफी ब्रांचे हैं। बार और क्लब के अलावा इनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट है। इसी के साथ इनका एक आर हाउस नाम का लाइफस्टाइल स्टोर भी है जिसे सुनील शेट्टी की पत्नी माना चलाती हैं। और अपनी पत्नी के साथ ही इन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस की शुरुआत भी की थी जिसके लिए इन्होंने S2 नाम की कंपनी की स्थापना करी थी। खबरों के मुताबिक कहा जाता है कि सुनील शेट्टी सालाना करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाई सिर्फ अपने बिजनेस से ही करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सलमान खान। आज सलमान खान का बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम बन चुका है लेकिन इसी के साथ सलमान खान बिजनेस की भी काफी समझ रखते हैं। उनका एक अपना SKF प्रोडक्शन हाउस है। सलमान खान की ज्यादातर फिल्में उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में बनती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं तो इसीलिए सलमान खान ने जिम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बींग स्ट्रॉन्ग की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा वो मंथाना रिटेल वेंचर के भी पार्टनर हैं और साथ ही उनकी एक क्लोथिंग ब्रांड भी है जिसका नाम बींग ह्यूमन है। ये ब्रांड भी मंथाना से ही लाइसेंस्ड है। फिर फोर्थ नंबर पर है अजय देवगन। अजय देवगन की कमाई का मेन जरिया तो एक्टिंग ही है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े बड़े बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है। गुजरात के चारनाका सोलर प्रोजेक्ट में अजय देवगन ने कुछ समय पहले ही काफी मोटी रकम इन्वेस्ट करी है और पावर प्लांट रोहा ग्रुप में भी अजय देवगन की काफी बड़ी हिस्सेदारी है। और इसी के साथ उनका एक मूवी प्रोडक्शन हाउस भी है और एक VFX स्टूडियो भी है जिसका नाम है NY VFX वाला जो कि दूसरी फिल्मों के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करता है। और अब अजय देवगन करने वाले हैं एक बड़ा निवेश। जी हाँ, वह देश के दूरगामी इलाकों में नए मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए 600 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। इस मल्टीप्लेक्स वेंचर का पहला लॉन्च जून में मध्य प्रदेश के रतलाम में होगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है ऋतिक रोशन। दुनिया भर में फर्स्ट हैंडसम मैन का खिताब पाने वाले ऋतिक रोशन ने अपना करियर बतौर एक्टिंग बचपन में ही शुरू कर दिया था लेकिन उनकी पहली मूवी कहो ना प्यार के बाद ऋतिक रोशन ने बॉक्स ऑफिस और लोगों के दिल दोनों पर जमकर राज किया। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डांस स्किल के साथ साथ ऋतिक रोशन एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी है। ऋतिक रोशन की एक फैशन ब्रांड HRX है जिसकी बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल Myntra को बेच दी है। इसके अलावा ऋतिक रोशन की बेंगलुरु फिटनेस स्टार्टअप क्योर फिट में भी पार्टनरशिप है और अभी इनके जिम सेंटर कल्ट के लिए भी एक सिग्नेचर वर्कआउट की प्लानिंग चल रही है जिसका नाम होगा HRX वर्कआउट। फिर सिक्स नंबर पे रोनित रॉय। दोस्तों रोनित रॉय TV सीरियल और बॉलीवुड मूवीज दोनों में ही बेहतरीन काम कर चुके हैं। रोनित रॉय ने अपनी एक्टिंग स्किल से छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का सफर बहुत शानदार तरीके से पूरा किया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोनित रॉय एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने 2003 में ए सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एजेंसी नाम से एक कंपनी बनाई थी जो बॉलीवुड स्टार प्रोडक्शन हाउस और IPL जैसे बड़े बड़े इवेंट्स में सिक्योरिटी देती आ रही है। उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और भी कई बड़े बड़े एक्ट्रेस को सर्विस प्रोवाइड कराई है। यही वजह है जिससे रोनित रॉय भी एक अच्छे एक्टर्स होने के साथ साथ स्मार्ट बिजनेसमैन की लिस्ट में भी शामिल होते रहे हैं। इसके बाद सातवें नंबर पे अर्जुन रामपाल। दोस्तों अर्जुन रामपाल ने अपने शुरुआती करियर में काफी शानदार मूवीज बनाई हैं, लेकिन अभी ये बॉलीवुड में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो आप भी सोचते होंगे कि इतना हाईफाई लाइफस्टाइल ये कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भले ही अर्जुन रामपाल बॉलीवुड में एक्टिव ना हो लेकिन बतौर बिजनेसमैन वो बहुत ही एक्टिव है। अपने बिजनेस की बदौलत ही वो कई करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं।
अर्जुन रामपाल एक लैप नाम के लॉन्च बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो कि दिल्ली में 17,000 स्क्वायर फीट की जगह में बना हुआ है। और इसे डिजाइन किसी और ने नहीं बल्कि शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने ही किया है। और इसके साथ ही वो एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म चेजिंग गणेशा को भी रन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के 7 ऐसे एक्टर जो अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपने साइड बिजनेस से भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। आई होप आपको इनके बिजनेस से अपने लिए भी कुछ अच्छे आइडियाज मिले होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टेप फॉर नॉलेज, और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।